से आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है। तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो। नमस्कार और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। आज है रिपब्लिक डे, देश का गणतंत्र दिवस, और आज भारत को धमाल भी करना है। कानपुर में पहला T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ, वनडे सीरीज हमने जीती, टेस्ट सीरीज भी हमने जीती, और आप सोचेंगे कि T20 सीरीज में भी धमाल मचाना है, ऐसे ही जैसे हमारे साथ रुतबा बैंड ने परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और साथ ही साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट गौतम भी हैं। दोनों की हम राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस मैच के लिए तैयारियां कैसी हैं टीम इंडिया की। This format, I think we need to go out there and show our true potential as to how explosive we can be, which we're doing the IPL. So I think somewhere at the international stage, there is a bit of hesitation of that extra bit of pressure that comes in with playing for the country. But I think this format allows you to get rid of that and really express yourselves and the skills that you have to the best of your potential. So that's something we want to do as a side as well. और इंग्लैंड के बीच 8 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 3 मैच जीते हैं जबकि 5 गंवाए। अगर विराट 3-0 से सीरीज जीत लेते हैं तो टीम इंडिया के खाते में 6 जीत हो जाएंगे। हमारे साथ मनी सर है। मनी सर, ड्यू फैक्टर की बहुत ज्यादा बात है, मैच इसलिए खिसका दिया गया, 4:30 बजे मैच कर दिया गया। अब लग रहा है इंग्लैंड ने जरूर ये सोचा हुआ है, उनको पता है कि ड्यू फैक्टर जरूर आ सकता है नॉर्दर्न पार्ट्स में, इसलिए भारत बल्लेबाजी करेगा। मुझे यहाँ नहीं लग रहा ड्यू फैक्टर की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया होगा पहले फील्डिंग करने का, क्योंकि अमूमन हमने देखा है T20 क्रिकेट में अगर पिचेस बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए तो नॉर्मली टीम्स चेस करना पसंद, तो अगर वो चेस करने आ गए तो फिर तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उनकी टीम की भी बैटिंग इतनी बैलेंस्ड है कि वो किसी तरह का भी टोटल चेस कर सकते हैं। सो आई थिंक वो भी भरोसा है अपनी टीम के ऊपर। सब कह रहे थे 4:30 बजे करा लिया, लेकिन खबर ये भी थी कि अगर कानपुर की आप बात करें तो वहां 5 बजे से ड्यू पड़ना शुरू हो जाता है और रात जल्दी हो जाती है, तो उसके बावजूद भी आपके लिए ये महंगा पड़ेगा, आपने मैच पीछे किया है, इसको शायद और भी पीछे किया जा सकता था। देखिए उससे पीछे तो फिर यही होता कि आप डे मैच होता, डे मैचेस खेले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप वनडे क्रिकेट की भी बात करें 2:30 बजे मैचेस शुरू होते थे। गौतम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड है भारत के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, 5-3 का रिकॉर्ड है, आपको लग रहा है इस सीरीज में वो जिंक्स टूटने वाला है, इंडिया अहेड होने वाली है इंग्लैंड से T20 फॉर्मेट में? हाँ, मुझे लगता है जो करंट फॉर्मेट है अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंग्लैंड का पश काफी मजबूत है। लेकिन हमारे साथ गौरव कुमार हैं जो वॉइस ऑफ दिल्ली हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि विराट कोहली वो इंडिया के लिए पहली बार T20 में कप्तानी करने जा रहे हैं और नए साल की शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की, वनडे सीरीज जीत की, तो उनके लिए कुछ हो जाए। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी टीम इंडिया के लिए एक फेर बोलना चाहता हूँ जी। फनूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह। आजा दिले शामी आने के तले, आजा तेरे बारे नीले आसमान के तले, जय हो जे। आजा आजा दिले शामी आने के तले, आजा तेरे बारे नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो। देशवासी जो है वो यही उम्मीद करेंगे टीम इंडिया की भी जय हो मैदान पर, लेकिन प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं कानपुर T20 के लिए क्या है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, और मनी सर से रिएक्शन भी लेंगे कि क्या विराट कोहली यहां पे ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मैच थोड़ी देर के बाद शुरू होगा कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं इस मैच के लिए टीम इंडिया की क्या है। लोकेश राहुल है, मनीष पांडे है, विराट कोहली है, और अभी आपको नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आ रहे हैं, युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है, सुरेश रैना बहुत अरसे बाद वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, लास्ट वो T20 में उन्होंने क्रिकेट खेला था, उसके बाद अब दिख रहे हैं हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और आशीष नेहरा हैं, और यहां पर यजवेंद्र चहल और परवेज रसूल, तो अमित मिश्रा नहीं है टीम में, और खबर यह है कि विराट कोहली ओपन करेंगे इंडिया के लिए। तो मनी सर जो प्लेइंग 11 कल हमने दिखाई थी उसे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, बस अमित मिश्रा नहीं है यहां पर और मनदीप सिंह नहीं है, तो यह डिसीजन कैसा है कि विराट कोहली ने खुद सोचा है?